इस वक्त हमारे साथ शामली के सदर विधायक, पूर्व विधायक जो हैं तेजेंद्र निर्वाल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज मतदान हो रहा है तो कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। हर व्यक्ति, हर मतदाता अपने मताधिकार का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग कर पा रहा है। आप देख रहे हैं कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ का चुनाव चल रहा है। कोई जरा तनाव नहीं किसी के लिए, सब लोग आराम से आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। तो लोकतंत्र का जो सही स्वरूप है वो यहाँ पे सामने में आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि बीजेपी और गठबंधन के बीच बड़ी टक्कर मानी जा रही है। एक तरफ चर्चाएं हैं कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन जो महिलाओं में जो जोश दिख रहा है इस बार भी मतदान करने का, वो कैसे? आपने खुद ही मान लिया कि महिलाओं में जोश दिख रहा है। तो महिला तो माता बहनों का, हमारी महिलाओं का अधिकतर वोट भाजपा को ही मिलता है, ये आप जग जाहिर है। इसके लिए कोई सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनमें जोश है तो निश्चित रूप से भाजपा का मतदान ज़्यादा हो रहा है। वैसे भी लोगों में जनभावना एक है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े प्रदेश को लेकर, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में एक विश्वास की भावना लौट के आई है नेताओं के प्रति और ख़ासतौर से भाजपा के प्रति। लोगों के अंदर एक अटूट विश्वास है और मैं समझता हूँ उसके कारण से हम भारी बहुमत से सामली जो हमारी नगर पालिका है उसको जीतने जा रहे हैं। अच्छा, विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि यहाँ पे शामली में सड़क जाम की बड़ी समस्या है, तो कैसे निजात दिला पाएंगे? जाम तो इस चुनाव से पहले मैं आपको कह दूँ, चुनाव का तो रिजल्ट अभी 10 दिन बाद आएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ 2 महीने के अंदर अंदर सबको पता है कि जाम की समस्या 90% तक हल हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही रिंग रोड चलेगी शामली की, और रिंग रोड के बनते ही जो भारी ट्रैफिक है वो सारा बाहर से ही डाइवर्ट हो जाएगा। और उसके लिए माननीय योगी जी ने, और मैं क्योंकि नेशनल हाईवे हैं तो केंद्र सरकार की इसमें देन है, तो माननीय मोदी जी ने जिस तरह से 6 नेशनल हाईवे यहाँ दे चुके, 7वां देने जा रहे हैं, माननीय गडकरी जी अभी बोल के गए हैं, ऐसा विकास तो मैं समझते हूँ उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर का, किसी भी ज़िले का हुआ होगा। शायद लखनऊ के हिस्से में भी 7 नेशनल हाईवे नहीं होंगे, जो कि राजधानी है, बहुत बड़ा शामली का लखनऊ का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जितना विकास यहाँ दिया गया है उसमें माननीय योगी जी ने इसको बिल्कुल प्रदेश में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया शामली को। और आम आदमी इस बात को समझता है कि भाजपा के नेतृत्व में ही विकास आगे बढ़ सकता है। अगर किसी अन्य को चुनेंगे जहाँ कोई योजना भी नहीं, ना उनके पास कोई विचारधारा है, 10 दिन पहले तक किसी दूसरी पार्टी में नाम ले रहे थे, 10 दिन बाद आके दूसरी पार्टी के गुणगान करने लगे, अब नेताओं का फोटो पहले उनका पूछते थे, अब दूसरे का पूछने लगे, कल किसी तीसरे का भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता विचार के आधार पे वोट नहीं मांग रहे, ना वो काम के। अच्छा विधायक जी, 72 साल का इतिहास रहा है, 20 चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, और 35 सालों की अगर बात करें तो लगभग इसमें अधिकतर निर्दलीय चेयरमैन रहे हैं। तो 2012 में जो अरविंद संगल जी अब चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले 2012 में जीत हासिल की थी क्योंकि विपक्ष की सरकार थी ऊपर भी, तो क्या अब इस बार इतिहास बदल पाएगा, क्या फिर वही रहेगा? इतिहास तो प्रदेश में बदलता ही जा रहा है। अभी तक लोग कहते थे कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष नहीं रहा, माननीय योगी जी रहे। अभी तक लोग कहते थे जो नोएडा जाएगा, लोगों ने जाना ही बंद कर दिया नोएडा मुख्यमंत्री ने, लेकिन मोदी जी ने उस मिथक को भी तोड़ा, योगी जी ने उस मिथक को भी तोड़ा और घोषणा करके नोएडा में गए। दोबारा 5 साल तक रहने के बाद दोबारा सत्ता में भारी बहुमत से लौट के आए, तो सारे मिथक टूट रहे हैं। जिस समर्पण और तपस्या के सामने सारे समीकरण बदल रहे हैं। विधायक जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, मेरा ये सवाल है कि शामली में 3 नगरपालिकाएं 7 नगर पंचायत हैं, तो इसमें से आप कितने को जीत पाएंगे? देखिए, 3 नगरपालिकाओं में जैसे कि कैराना में, मैं समझता हूँ बहुत टफ इक्वेशन है, लेकिन फिर भी मुस्लिम मतदान हमारे पक्ष में काफ़ी हो रहा है, तो वहाँ भी हम पहले से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर ठीक से मत हमें मिल गया तो निश्चित रूप से वहाँ भी हमारी स्थिति से अच्छी रहेगी। कांधला में भी समीकरण विपरीत होने के बावजूद हम अच्छी फाइट में हैं। शामली हम 100% जीत पा रहे हैं। इसके अलावा 7 निकाय में भी हम थाना भवन, बनत, आपका गढ़ी, ऊन, इसके अलावा जो फाइट में झिंझाना, ये सब हमारी बिल्कुल फाइट में सारी सीटें, वहाँ हम बिल्कुल मार्जिन। जीत कितने पर मान रहे हैं? जीत तो हम इनमें 6 में मान रहे हैं, कम से कम 6 में। 6? हाँ, तो 6। तो ये थे हमारे साथ सदर पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर शामली में 3 नगरपालिका 7 नगर पंचायत है, जिसमें से 6 पर हम जीत मान रहे हैं। लेकिन जो विकास का मुद्दा है, अगर ऊपर भी सरकार बीजेपी की है और नीचे भी बीजेपी का अगर प्रत्याशी जीतता है, तो लगातार शामली में विकास होता रहेगा। मतदान करने के लिए आए हैं, क्या देखा है आपने, क्या क्या इंतजाम है यहाँ पर? नहीं, मैं, आप खुद भी देख रहे हैं सारा मतदान किस तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है। हर आदमी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के अपना मत कर पा रहा है। लोकतंत्र के अगर सही पिक्चर कहेंगे तो यही होती है। मैं भी अपने नंबर पे एकदम मतदान के लिए गया, लाइनें भी आप देख रहे हैं, लगातार लोगों में उत्साह काफ़ी है।
तो काफ़ी उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। बहुत ही एक संदेश है कि जिस तरह का कल्पना माननीय योगी जी के राज में हो सकती है, लोकतंत्र की जो एक कल्पना है उसके अनुसार सब चीज़ चल रही है। विधायक जी, जैसे आप लोगों के यहाँ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो उनको किस तरह के दिशा निर्देश आप लोगों ने इस चुनाव में दिए हैं? दिशा निर्देश तो खैर अलग शब्द है, वो प्रत्याशी हैं हमारे अरविंद सिंगल जी, उन्हीं के लिए सब मत मांग रहे हैं, भाजपा के लिए मत मांग रहे हैं, कमल के फूल पर मत मांग रहे हैं, अलग से कोई दिशा निर्देश नहीं। हो तो बड़े सज्जन और भले आदमी, सारा शहर उनको जानता है, पहले भी चेयरमैन से शांति रूप की अपील की गई। हाँ, वो सब अच्छा, मुद्दे क्या कह रहे हैं? अच्छा, योगी जी भी आए थे, लगातार जो है प्रदेश स्तर के मुद्दे उठे हैं, जबकि निकाय चुनाव जो है स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों को लेकर होता है, तो ऐसे क्या स्थानीय मुद्दे शामिल के हैं जिनको आप बेहतर करेंगे? नहीं देखो, मुद्दे तो सभी चलते हैं, वो अलग बात है कि प्राथमिकता ज़्यादा स्थानीय मुद्दों की होती है, लेकिन देश विदेश की प्रदेश की चर्चा भी चलती है इसमें। ऐसा नहीं हम एक लाइन बांध सकते कि हम केवल इसी विषय पर बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से शामली को 7 नेशनल हाईवे मिले हैं, 6 मिल चुके, 7वां मिल रहा है, तो उसके हिसाब से शहर का जिस तरह विस्तार हो रहा है, रिंग रोड चारों तरफ बन चुकी है, तो शहर को बहुत बढ़िया तरीके से, सुनियोजित तरीके से विकास की आवश्यकता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अरविंद सिंगल जी कमल के फूल पर भाजपा के चेयरमैन बने, ताकि प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जो उनके हैं वो लागू हो सकें। वरना विपक्ष के चेयरमैन रहकर कई बार वो सरकार से तालमेल नहीं करते और वजह बिना वजह सरकार की आलोचना में व्यस्त रहते हैं, उसके कारण से काम नहीं हो पाता, काम में रुकावट आती है। सर, शामली में CM भी आए थे जी, और यहाँ पर 10 सीटें हैं, 3 नगर पालिका हैं, लेकिन कोई BJP का असर सा दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो चलो आपका मत हो सकता है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा प्रतिशत में हम आगे बढ़े हुए हैं, और लगभग जहाँ बिल्कुल विपरीत समीकरण है वहाँ भी हम देखोगे आप, हम फाइट में रहेंगे वहाँ भी, यानी कि मुस्लिम मत भी हमें मिल रहा है। और शामली के बारे में तो लोगों ने शायद टक्कर की बात ही करनी बंद कर दी, शामली में तो सभी मान रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। ऐसे जिले में कितनी सीट मिलने का अनुमान है आपको? हम लोग कम से कम 6 हैं, बाकी में भी हमारा इक्वेशन चूँकि वो समीकरण अलग है, ऐसे नहीं मत वहाँ भी हमें पहले से बढ़कर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कम से कम 10 में से 6 यानी कि प्रथम श्रेणी से पास होने की हमें उम्मीद है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।